नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं DRDO सेप्टेम की कट ऑफ के बारे में। DRDO सेप्टेम 9 की जो एग्ज़ाम हुआ था 17 से 22 नवंबर के बीच में, बहुत ज़्यादा समय हो चुका है अब, और दिसंबर भी निकल चुका है। नवंबर में ये 17 से 22 नवंबर के बीच में एग्ज़ाम हुआ था, और बोल सकते हैं कि लगभग हमें 40 से ऊपर दिन हो चुके हैं, और अभी तक आपका ना तो कट ऑफ आई है, ना आंसर की आई है, ना रिजल्ट आया है, कुछ भी अभी तक नहीं आया है। तो सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं, कब आएगा कट ऑफ, कब आएगी, आंसर की आएगी या नहीं आएगी, और कितनी जा सकती है आपकी कट ऑफ, टाइपिंग वालों को कितना समय मिलेगा, क्या बहुत कम समय है टाइपिंग वालों के लिए, 100% इस दिन आएगा रिजल्ट, किस दिन आएगा, वो भी बातें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। कट ऑफ कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो आप सभी को बता दूँ, जनरल की कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने शुरू से यही बोला है, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी लिखा था कि 115 से 120 तक कट ऑफ जा सकती है जनरल की। तो जनरल की जो कट ऑफ है, अगर 115 से 120 तक अगर किसी का स्कोर बनता है, तो मेरे हिसाब से एक सेफ स्कोर बनता है। नेक्स्ट, अगर दोस्तों इसी तरीके से हम बात करें EWS की कट ऑफ के बारे में, EWS की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो मेरा मानना है कि 107 से लेकर 112 तक EWS की कट ऑफ जा सकती है। क्या कट ऑफ कम जाएगी, उसे भी मैं आपको बताऊँगा। OBC की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो OBC की कट ऑफ को भी दोस्तों डिस्कशन कर लेते हैं। तो OBC की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो मेरा मानना है कि 104 से लेके 107 तक या 108 तक बोल सकते हैं, ये OBC की कट ऑफ रहने वाली है। नेक्स्ट, अगर दोस्तों बात करें SC ST की कट ऑफ कितनी जा सकती है, SC ST की कट ऑफ कितनी जा सकती है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो इनकी कट ऑफ थोड़ा सा कम रहने के चांस है, 85 to 95 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की कट ऑफ जा सकती है। नेक्स्ट, अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम कि कितना समय मिलेगा टाइपिंग वालों को, कितना समय मिलेगा, तो मेरा मानना है 40 डेज़ का समय आपको मिल सकता है। कितना समय मिल सकता है आपको, लगभग 35 से 40 दिन का समय मिल सकता है, 35 to 40 डेज़ का आपको समय मिल सकता है टाइपिंग वालों को। अगर आप टाइपिंग वाले हैं, असिस्टेंट के टाइपिंग वाले हैं, तो आप अपनी टाइपिंग को जल्द ही लगा लीजिए, क्योंकि आपको समय बहुत कम मिलने वाला है। 35 से 40 दिन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं टाइपिंग के लिए। टाइपिंग के लिए आपकी स्पीड होनी चाहिए कम से कम 35-40 की स्पीड तो कम से कम होनी ही चाहिए इंग्लिश में। नेक्स्ट, अब दोस्तों बात करनी है कब आएगा रिजल्ट। तो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि कट ऑफ जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो रिजल्ट के बारे में बता दूं, मैंने शुरू में भी बताया था जनवरी के फर्स्ट वीक में आने के चांसेस हैं। तो मेरा मानना अभी भी यही है कि 10 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। वैसे मेरा मानना इतना है कि 2 से 3 दिन और लगेंगे, पर मैक्सिमम हम 10 जनवरी तक बोल सकते हैं, 10 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखो, पिछली बार आंसर की के बारे में बता दूँ आपको, पिछली बार आंसर की नहीं आई थी, जब STAV करके जब वैकेंसी निकली थी, 185 पदों पर 185 पदों पर वैकेंसी निकली थी, तब उस समय आंसर की नहीं आई थी। लेकिन इस बार वेबसाइट पर लिखा हुआ है, कुछ वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि आंसर की आएगी, तो वो देखने लायक बात होगी, देखेंगे आंसर की आती है कि नहीं। तो और पिछली बार कट ऑफ भी नहीं बताई थी, लेकिन इस बार बोला जा रहा है कि कट ऑफ भी आएगी। आपका मानना क्या है कि आंसर की आएगी, क्या कट ऑफ नहीं आएगी या आएगी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके कितने अटैम्प्ट हैं, कितने गुड अटैम्प्ट्स हैं, उसे भी ज़रूर लिखिएगा। और क्या कट ऑफ कम रहेगी, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, क्या कट ऑफ कम रहेगी, तो आप सभी को बता दूं, पिछली बार जो वैकेंसी निकली थी वो 185 पदों पर निकली थी, लेकिन इस बार 224 पदों पर वैकेंसी निकली है। तो यहाँ जहाँ तक भी मेरा मानना है, यहाँ तक इस बार आपकी जो कट ऑफ है थोड़ा सा कम रहेगी, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज़ हो चुकी हैं पिछली बार की तुलना में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने DRDO MTS का फॉर्म अप्लाई किया है या आप अप्लाई करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसके लिए स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।